हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा की टॉप 10 फटाफट ताज़ा खबरें। अगर आप हरियाणा से हैं, रोज़ाना अपडेट पाना चाहते हैं हरियाणा के मुख्य समाचारों की, तो अभी आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पर एक लाइक कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो हरियाणा में बरसात के साथ भारी ओलावृष्टि, कृषि मंत्री के क्षेत्र लोहारू में फसलों को ज़्यादा नुकसान। जींद, सोनीपत में रात को बरसात, रेवाड़ी, सिरसा, फतेहाबाद में गिरे ओले। तो पश्चिम विक्षोभ के असर से हरियाणा राजस्थान बॉर्डर के करीब सक्रिय हुए बादलों के कारण शुक्रवार रात तक हरियाणा के कई जिलों में ज़बरदस्त ओलावृष्टि और बारिश हुई है। रात 10 बजे के करीब मध्य हरियाणा के जींद में गरज के साथ तेज बरसात शुरू हुई है। इससे पहले भिवानी, रेवाड़ी क्षेत्र में ज़बरदस्त ओले गिरे हैं। रात 8 बजे के बाद फतेहाबाद, सिरसा में भी ओलावृष्टि हुई है। बता दें कि आज रात को भी हवाओं के साथ ओले गिरने की भी संभावना जताई है। बता दें कि मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के अधिकतर जिलों में तेज बारिश, बादलों की गरज चमक, 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और कहीं कहीं तीव्र ओले गिरने की संभावना लगातार बनी हुई है। जींद, भिवानी, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला सहित चंडीगढ़ में पश्चिम विक्षोभ का असर रात को भी दिखाई पड़ सकता है। हरियाणा के अंबाला में जंगल में मिले 232 बम। शहजादपुर के पास कट्टों में पड़े होने की सूचना पर इलाका सील, बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। तो हरियाणा में अंबाला के शहजादपुर एरिया के जंगल में शुक्रवार को 232 बम बरामद हुए। ये बम काफ़ी पुराने हैं और इन्हें जंग लग चुका है। इन्हें भारतीय सेना के अधिकारी को सौंपा जाएगा। थाना शहजादपुर में एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा का बजट 7 मार्च को होगा पेश। सत्र 2 मार्च से शुरू होकर 22 मार्च तक चलेगा। 9 दिन होगी बैठकें, 12 दिन रहेंगी छुट्टियां। तो हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा, जबकि 7 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। सीएमओ कार्यालय ने बजट को लेकर के ट्वीट किया है। ये कहा है कि बजट 2 मार्च से शुरू होकर के 22 मार्च तक चलने वाला है, लेकिन बजट पेश होने के बाद 6 दिन की छुट्टी रहेगी। बजट पर चर्चा भी 4 दिन रही। हरियाणा सरकार ने विधानसभा सचिवालय में बजट सत्र का अनुमानित शेड्यूल भेज दिया है। अनुमानित शेड्यूल के अनुसार बजट सत्र में 12 दिन बैठकें नहीं होंगी, 9 दिन ही बैठकें होंगी। डेरा प्रमुख की फरलो मामले में फैसला सुरक्षित। हाईकोर्ट में सरकार और याची पक्ष ने दलीलें पेश की। 27 तक जेल से बाहर है राम रहीम। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फरलो को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। शुक्रवार को कोर्ट में हुई सुनवाई। सुनवाई में हरियाणा सरकार और याची पक्ष की दलीलें सुनने और फरलो रिकॉर्ड देखने के बाद बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। जस्टिस राजमोहन सिंह की बेंच में केस की सुनवाई हुई। अब कभी भी इस मामले में फैसला सुनाया जा सकता है। गुरमीत राम रहीम की फरलो 27 फरवरी को खत्म हो रही है। भाजपा जजपा साथ लड़ेंगे निकाय चुनाव। जींद में डिप्टी सीएम बोले, पहले भी साथ लड़े थे, अब भी वही करेंगे। सिंबल को लेकर कमेटी लेगी फैसला। तो हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जजपा भाजपा ने पहले भी निकाय चुनाव साथ लड़े थे और अब भी आगे भी साथ ही लड़ेंगे। जजपा निकाय चुनाव अपने सिंबल पर लड़ेगी या नहीं, इसको लेकर कमेटी का गठन किया गया है। वे गठबंधन का धर्म निभाएंगे। हरियाणा में 10 मार्च से 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 25 मार्च को होंगी खत्म। स्कूल में ही बनाई जाएंगी डेट शीट। तो हरियाणा में 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा 10 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेंगी। स्कूल अपने स्तर पर ही परीक्षाओं की डेट शीट बनाएंगे। परीक्षाएं खत्म होने के तुरंत बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन CBSE पद्धति पर कराया जाएगा। निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों CBSE से संबद्धता प्राप्त मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्य को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अपने अधीनस्थ स्कूलों के मुखिया से मार्च में दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुनिश्चित कराएं। जातिगत टिप्पणी का मामला, अभिनेत्री मुनमुन दत्ता को बड़ी राहत, हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली। एक जात को लेकर के वीडियो अपलोड करने के चलते तारक मेहता का उल्टा चश्मा की मशहूर अभिनेत्री, टीवी कलाकार मुनमुन दत्ता को बड़ी राहत देते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। उन्हें कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। हरियाणा में जेलों की दीवारों को 10 फुट और किया जाएगा ऊंचा। मोबाइल और नशीली चीजें अंदर फेंकने की घटनाओं को रोकने की तैयारी। तो हरियाणा की जेलों में बाहर से मोबाइल और नशीले पदार्थ फेंके जाने की घटनाओं को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने अहम फैसले लिए हैं। जेलों की बाहरी दीवारों की ऊंचाई 10 फुट और बढ़ाई जाएगी। ऐसे में ऊंचाई 20 से बढ़ाकर के 30 फुट होगी। इसके साथ ही PVC की जाली भी बनाई जाएगी।
ताकि इसके बावजूद भी कोई सामान फेंकेगा तो वह जाल में ही फंस जाएगा। तो ये थी हरियाणा के मुख्य समाचारों की ताजा बुलेटिन। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।